मेरा नाम महेश भट्ट है। यस सर, मैं जानती हूँ आपको। मैंने ये फिल्म डायरेक्ट की है। ये मेरी अपनी जिंदगी की दास्तान इसमें कैद है। ये मैंने अपने जख्मों को कुरेद के ये फिल्म बनाई थी, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था और अजय देवगन साहब को भी अवार्ड मिला था। और मुझे गर्व है कि इस फिल्म में हमने उस हिंदुस्तान का जिक्र किया है जो इस मिली जुली तहजीब को सेलिब्रेट करता है। मुझे आज इस बात का यकीन हो गया कि एक आंख दिल के पास होती है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। क्योंकि चांद जो तूने दिखाया ना बेटा, वो चांद तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। रणबीर, इनसे मिलिए हमारी सबसे प्यारी कंटेस्टेंट। मैं जानता हूँ, इनके वीडियोस तो दुनिया भर में वायरल हो चुके हैं। हाय, नमस्ते। नमस्ते मेनुका जी। आज का ये शानदार परिवार का एपिसोड है और मैं सोच रही हूँ कि सच में हमने कभी मेनुका के बारे में, उसकी एक्चुअली आपकी जिंदगी के बारे में हम जानते ही नहीं है, आपके परिवार के बारे में नहीं जानते हैं। क्या है ना कि मेरे फैमिली में मेरी मम्मी है, पापा है और दो छोटी बहन है। ये आईज की प्रॉब्लम मेरी बाय बर्थ है। मेरी पढ़ाई के लिए मेरी फैमिली ने एक ब्लाइंड हॉस्टल में मेरे को भेजा और वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई भी शुरू की है। जिस दिन मैं हॉस्टल में पहुँची उसी दिन से मैंने हारमोनियम की आवाज़ सुना है, तो म्यूज़िक के ऊपर उसी दिन से मेरी ध्यान बढ़ गई थी। और मैंने बचपन में ही डिसाइड किया था कि अगर मेरे को कुछ बनना है तो लाइफ में एक सिंगर ही बनना है।
और मुझे ये लगता है कि संगीत को मैंने नहीं ढूंढा, मुझे संगीत ने ढूंढ के वहाँ पर पहुँचाया। मैंने अपने लाइफ में अपने साईं बाबा के लिए भजन गाया, उसके बाद मेरी एक फैमिली नहीं, मेरी अपनी साई फैमिली भी बन गए हैं, और उसमें से आज मेरी एक फैमिली स्पेशल में आई है, आंटी सीता। क्या बात है। पहले बार तो मैं अपने साई को प्रणाम करेगी, थैंक यू बोलेगी, क्यों मेरी बच्ची आ चुकी है मंच पे। जी बच्ची ये एज में, ये 25 इयर्स की है बच्ची, पूरा फैमिली को संभालती। वाह। उसकी बहन की शादी करवाई है, छोटी बहन है उसको, वो पढ़ा रही है अभी भी। पापा है उसके मलेशिया में, मलेशिया में काम करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा सपना ये है कि वो उसके पापा को वापस अपने घर लेके आए, खुद की कमाई में वो खड़ी रहेगी तब जाके उसके पापा आ पाएंगे। तो वो इतना इतना मेहनती लड़की है, क्या बोले मैं उसके बारे में, मेरे पास वर्ड्स नहीं। उसको क्या चाहिए कि सब उसको बारे में अच्छा बोले। उसको किसी का सिंपति नहीं चाहिए। एक भगवान का फोटो है, वो रखती है उसको ये साइड में रखती है और ऐसे मुड़ के बैठती है वो, बिकॉज उसको दिखता नहीं है ना किधर है स्वामी। लेकिन मैं और मेरा हस्बैंड हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फोटो की क्या जरूरत है, उसको साक्षात साई उसके सामने प्रकट। मेरी बच्ची को आगे तक पहुंचने का शक्ति मेरा साई दे, और आप लोग का सबका प्यार सदा उसके साथ बना रहे। थैंक यू सो मच। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.